पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में हुई आरटीआई एक्टिविस्ट हत्याकांड में उस समय अचानक नया मोड़ सामने आ गया जब पुलिस द्वारा बनाए गए मुख्य आरोपी हारून सैफी ने अपनी बेगुनाही बयां करते हुए मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और सरकार से हत्याकांड की सही जाँच की मांग की है। मुरादाबाद के पागबड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों हुए चर्चित आरटीआई एक्टिविस्ट कासिम सैफी हत्याकांड उस समय नए मोड़ में आ गया जब सोशल मीडिया पर पागबड़ा निवासी और दो बार के ग्राम प्रधान रहे हारून सैफी ने अपना एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। इस वीडियो में हारून सैफी में खुद को फंसाए जाने की बात कह रहे हैं। हारून सैफी कह रहे हैं कि वो इस समय मुस्लिमों के सबसे पाक माने जाने वाले मक्का मदीना में मौजूद हैं और ऐसे स्थान पर खड़े होकर कोई भी मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। उसे राजनीति का शिकार बनाकर फंसाया जा रहा है। उसे अपने देश के कानून का पूरा भरोसा है। वो प्रदेश के मुखिया से गुहार लगा रहा है कि कासिम हत्याकांड की गहनता से जांच हो और वो बेकसूर है। आपको बता दें कि 27 दिसंबर से आरटीआई एक्टिविस्ट कासिम सैफी अपने घर से लापता हो गए थे। 10 दिन बाद जिनकी बॉडी जनपद शामली से बरामद की गई। इस हत्याकांड के बाद मुरादाबाद पुलिस की खासी किरकिरी भी हुई जिससे बचने के लिए पागबड़ा पुलिस ने हत्याकांड के एक आरोपी विकास चौधरी और सपा नेत्री अलका दुबे सहित तीन को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया। लेकिन इस मामले में पुलिस ने पागबड़ा निवासी पूर्व प्रधान हारून सैफी को बतौर मुख्य आरोपी बनाया है जो घटना से पहले ही अपनी पत्नी के साथ उमरा करने गए हुए। विदेश से सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो ने पागबड़ा पुलिस की जांच पर सवाल या निशान जरूर लगा दिया है। इस वीडियो के आने के बाद ही हारून सैफी की बेटी ने भी अपने पिता को बेगुनाह बताते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मोहम्मद कासिम हत्याकांड में मेरे राजनीतिक विरोधियों ने मुझे साजिश कर फंसाया गया है। मैं बेगुनाह हूँ और अल्लाह के घर में अल्लाह को हाजी नाजिर और अल्लाह के रसूल प्यारे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजी नाजिर मानकर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। ना मैंने कोई साजिश रची, ना मैंने हत्या कराई, ना मैंने हत्या कराने का कोई पैसा किसी को दिया। ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम है, सरासर बेबुनियाद और राजनीतिक करने वालों का ये षड्यंत्र है। जिसने ये जुर्म किया उसने इकबालिया जुर्म पुलिस के सामने किया और पुलिस ने उसको ये भी जान लिया कि उसने कत्ल क्यों किया था। आपने भी अखबार में पढ़ा है, मैंने भी अखबार में पढ़ा है और पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। इसके बाद दो मुलजिम और पकड़े जाते हैं, उन्होंने राजनीति के तहत मुझे फंसाने वालों की प्लान को पूरा करते हुए मुझे नाम लेकर इसने फंसाया है। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं अल्लाह के घर में आपसे ये बताता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और अपने वतन के कानून और न्यायपालिका पर पूरा यकीन रखता हूँ और जल्द ही अपना उम्रा मुकम्मल करके मैं अपने आप को अपने वतन के कानून के हवाले करूँगा और इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, जैसे आप जानते होंगे कितने लोग मेरे बारे में कि जो एक इंसान एक चींटी की जान नहीं ले सकता वो एक किसी इंसान की जान कैसे ले सकता है। अल्लाह मेरी मदद करे, अल्लाह इंसाफ करे मेरे साथ, कानून इंसाफ करेगा, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। भाइयों जो मेरे अपने हमदर्द हैं मुझ पर यकीन रखते हैं, मेरे लिए अल्लाह से ये दुआ करना कि मैं बेगुनाह हूँ इस साजिश में और इस हत्याकांड में, तो अल्लाह मेरी मदद करे, अल्लाह मुझे इंसाफ दिलाए, अल्लाह मुझे विदाक अदालत से छुपाए। मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में फिर एक पाक साफ जिंदगी जीऊँगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कासिम को जन्नत में आलम का मुता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मंतशा रोज, मेरे वाले साहब मोहम्मद हारून सैफी जो इस वक्त उमरा करने सऊदी अरब गए हुए हैं, उनके पीछे उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें कासिम हत्याकांड में झूठा फंसा रहे हैं, जबकि मेरे वालिद बहुत साफ छवि के व्यक्ति हैं। पागबड़ा की आवाम ने मेरे पापा को दो बार प्रधान बनने का मौका भी दिया जिसमें उन्होंने पागबड़ा की खिदमत भी की और विकास भी किया, और आज मेरे पापा को झूठा फंसाया जा रहा है।
हालांकि मेरे पापा राजनीति में कई सालों से सक्रिय हैं और उन्हें पिछले विधानसभा में भी चुनाव के टिकट की मांग की थी और इंशाल्लाह इस बार भी वह टिकट के दावेदार रहेंगे। हमें और मेरे पापा ने आज एक वीडियो अपलोड की जिसमें वह दुनिया की सबसे साफ और अच्छी पाक साफ जगह अल्लाह के घर पर खड़े होकर उन्होंने अपनी बेगुनाही को बयान किया। हमें और हमारे वालिद साहब को अल्लाह और वतन के कानून व न्यायपालिका पर पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और अपने राज्य मुख्यमंत्री योगी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि हमें और हमारे वालिद साहब को इंसाफ दिलाया जाए। वे बेगुनाह हैं और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी दुआ कीजिए। थाना पाकबड़ा क्षेत्रांगत एक व्यक्ति कासिम, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 29/12 को। इसको मुकदमे में दर्ज किया गया था 3-1 को। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमें पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है एक विकास चौधरी द्वारा, जिसको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार करके भेज दिया था। किंतु इसमें और विवेचना जब की गई तब इसमें और भी लोगों के नाम आए जिनको गिरफ्तार करके हमने आगे की कार्रवाई की है। कितने लोग इसमें गिरफ्तार हुए और मेन मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे हत्याकांड का? इसमें 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अभी तक की विवेचना से जो बातें सामने आई हैं उनके अनुसार एक व्यक्ति हारून प्रधान, जो कि पाकबड़ा क्षेत्रांगत रहता है, उसके कहने पर इस हत्या को अंजाम दिया गया था। एक महिला इसमें गिरफ्तार दिखाई है, इनका क्या रोल है, कौन है ये? इसमें एक महिला अलका दुबे भी शामिल है जिनके द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। बताया जाता है ये समाजवादी पार्टी की कोई पदाधिकारी है? इन सभी पॉइंट्स पर अभी हमें और आगे विवेचना करनी है। क्या वजह रही जो इसमें जो वजह अभी तक निकल के सामने आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हारून प्रधान, जो कि इस आरटीआई एक्टिविस्ट से किसी बात से खफा था, उसने इस बात को अंजाम देने के लिए अलका दुबे व विकास चौधरी को संपर्क किया। उन दोनों ने एक कुलदीप नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। सुपारी किस बात के लिए, क्या दुश्मनी की? इन सभी पॉइंट्स पर अभी हमें आगे विवेचना करनी है। क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी? इसमें एक व्यक्ति हारून प्रधान वांछित चल रहा है, जल्द ही पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी।